ये एक LF4192 IC है जिसका हम लोग ब्रिज एम्पलीफायर बनाएंगे, और ये वैरो बोर्ड है जिसमें मैंने ऑलरेडी सर्किट ड्रॉ किया है, जिसके कैपेसिटर रजिस्टर हैं। तो इसे असेंबल करते हैं, आगे वैरो बोर्ड को मैं सेट कर लेता हूँ, आगे कैपेसिटर को सेट कर लेता हूँ, फिर इसे असेंबल करेंगे। सबसे पहले कैपेसिटर के लेग को ठीक कर लेते हैं वैरो बोर्ड पर लगाने के लिए इन कैपेसिटरों को, फिर शुरुआत करते हैं। अब कैपेसिटर को असेंबल करेंगे, सबसे आगे 100 माइक्रोफेरेड को लगाएंगे, उसके बाद इनपुट के कैपेसिटर को लगाएंगे 1 माइक्रोफेरेड। सर्किट दिया हुआ है, वीडियो में भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो दोनों जगह अवेलेबल है। तो फिलहाल इसे लगाते हैं, ये माइनस एक साइड रहेगा, ये 1 माइक्रोफेरेड है उसको, अब इसे भी लगा लेते हैं, उसके बाद इसे सोल्डिंग करेंगे। इनपुट है तो इसे सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये कैपेसिटर सारे सोल्डिंग हो गए हैं, अब इसके बाद हम लोग दो रजिस्टर हैं वो लगाएंगे, तो इसे अगर फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं इसे, दोनों में फोल्ड कर लें। तो ये दोनों फोल्ड हो गए हैं, एक को यहाँ लगाना है और एक यहाँ पे लगाएंगे। हो गई है, अब इसे सोल्डिंग कर लेते हैं। अब आगे जिससे वो सोल्डिंग कर लेते हैं, सोल्डिंग करते टाइम एक बात ध्यान रखनी होगी कि पार्ट्स के लिए अच्छे से गर्म हो जाए, नहीं तो ड्राई सोल्डिंग हो सकती है, ये हमेशा ध्यान रखनी होगी। अच्छे सोल्डिंग किसी भी बोर्ड का लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो ये ध्यान रखना होगा दोस्तों हमेशा, तो सोल्डिंग अच्छे से करें प्यार से। हो गई, अब IC लगाएंगे, और ये दो कैपेसिटर जो हैं आउटपुट के, ये हम लोग डायरेक्ट स्पीकर पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है और ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर IC बैठा लेते हैं, उसके बाद इसे भी सोल्डिंग कर लेते हैं। IC बैठ गई है, अब इसे सोल्डिंग करना है, तो इसे सोल्डिंग करते हैं, तो सोल्डिंग कर लेते हैं।
सोल्डिंग करते होते एक बार ध्यान देंगे कि आगे पीछे करके पिन को सोल्डिंग करेंगे। कभी भी आईसी को एक साथ सोल्डिंग नहीं करना चाहिए पिन को, इससे आईसी डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इसे पिन को इधर उधर करके सोल्डिंग करें, इससे आईसी गर्म नहीं होगी, ये ध्यान दें उसको। और अगर आयरन ज़्यादा गर्म है तो उसे ठंडा कर लें किसी मेटल पर टच करा के, या भीगे हुए कपड़े में पोंछ के, गीले कपड़े में से पोंछ दें या किसी बड़े से मेटल पर टच करा दें ताकि इसका ओवरहीट डाउन हो जाए, ये ध्यान देना होगा। लेप को काट दिया जाए, लेप को काट दिया जाए। ऐसी शूटिंग हो गई है दोस्तों, एकदम परफेक्ट। अब इसे आउटपुट में दो आउटपुट में कैपेसिटर लगाएंगे 470 माइक्रोफैरेड के स्पीकर पे और इसे टेस्ट करेंगे। तो इसे टेस्ट करते हैं, तो इसको साउंड टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार साउंड है, बहुत ही शानदार, अच्छा। बहुत ही शानदार साउंड है और शानदार साउंड होने के साथ अच्छा प्रेशर है। और ये मैं लगभग से 9 वोल्ट के अंदर में भी सप्लाई दिया हूँ, तो साउंड आपने सुन ही लिया है, काफ़ी अच्छा है। तो फिर इसे आप बना सकते हैं। एक बात ये है कि ये TA-2025 के सब्स्टिट्यूट के रूप में अच्छा काम करेगा, ये एम्पलीफायर आईसी नहीं, ये ध्यान रखना होगा। इस एम्पलीफायर को अगर टोटल रिप्लेस करते हैं तो काफ़ी अच्छा है, जिसका मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट।